आज जिस प्रोडक्ट का रिव्यू हम आपके लिए लाए हैं, इसका नाम है एम फोमी क्लीनर। इसका इस्तेमाल करके आप गाड़ी के इंटीरियर को बिल्कुल साफ़ सुथरा कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है रिच फोम क्लीन डर्ट अवे। तो आप ये एक मल्टीपर्पज़ फोम है बेसिकली, जिसका इस्तेमाल आप गाड़ी के डैशबोर्ड के लिए, सीट्स के लिए और जो भी गाड़ी का इंटीरियर है उसके लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। देख सकते हैं ये पूरा जो हैंड ब्रेक है इसका, ये साफ़ नहीं है। आप इसको हम स्प्रे करके दिखाएंगे कि ये स्प्रे काम करता भी है कि नहीं करता। तो अब हमने स्प्रे कर दिया है, अब इसके ब्रश के साथ इसको हम थोड़ा सा रब करेंगे। रब करने के बाद इसको 1 मिनट हम छोड़ देंगे, इसका रिजल्ट जो हमें है ज़ाहिर होता है काम करता है कि नहीं करता। कि आप देख सकते हैं तकरीबन 1 मिनट पूरा हो चुका है, और अभी इस फाइबर के साथ हम इसको भी साफ़ करेंगे। उसके बाद आपको उसका रिजल्ट दिखाएंगे कि ये स्पेन अपना काम किया भी है क्या नहीं किया। स्प्रे के बाद काफ़ी डिफरेंस नज़र आ रहा होगा आपको भी, जैसे कि स्प्रे से पहले था कंडीशन उससे काफ़ी बेहतर है। तो जो हम आपको बताना चाह रहे हैं बेसिकली कि यार ये जो है फोम काम करता है, विद इन 1 मिनट आपको गाड़ी के अंदर जो भी हिस्सा है आपका, डैशबोर्ड है, सीट्स हैं, आप इसको कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और विद इन फ्यू मिनट्स जो है आप गाड़ी आपकी बिल्कुल नई जैसी आपको दिख। तो अब हैंड ब्रेक करने के बाद हम चेक करेंगे इसको डैशबोर्ड पे कि ये कैसा काम करता है। स्प्रे करने के बाद इसको आप तकरीबन 1 मिनट तक छोड़ दें, और अभी हम 1 मिनट के बाद इसको चेक करेंगे किसने के रिजल्ट इसका कैसा आया। तो तकरीबन 1 मिनट हो चुका है, अब इसको हम साफ करके चेक करेंगे कि इसकी आया किसने सफाई की भी है कि नहीं की। तो रिजल्ट्स आपके सामने हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं डैशबोर्ड पहले से काफ़ी ज़्यादा साफ और क्लीन नज़र आ रहा है। रिजल्ट्स आपके सामने हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, जो आपके सामने हमने रिजल्ट रखे हैं सीट का, डैशबोर्ड का, और जो है साथ ही इसका हैंड ब्रेक का, तो इससे ये जाहिर होता है कि यार ये चीज़ काम करती है, प्रोडक्ट अच्छी है, आप इसको ले सकते हैं बगैर किसी इशू के।